सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि 1250 साल बौद्ध अनुयायियों का, बौद्ध सम्राटों का भारत पर शासन रहा है। लगातार सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक, बल्लभियों तक बौद्ध शासन रहा है। इस दौरान बौद्धों ने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए, बड़े बड़े मठ बनाए, संगाराम बनाए, बिहार बनाए, संग्रहालय बनाए और बड़ी बड़ी बौद्ध गुफाएं बनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 18,000 बौद्ध गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास हैं। जिस तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 1200 बौद्ध गुफाएं गुजरात में हैं, 800 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और 700 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हैं और लगभग 700 से ज्यादा बौद्ध गुफाएं तमिलनाडु में हैं। भारत सरकार इस समय ब्राह्मण व्यवस्था की है, वो नहीं चाहते हैं कि बुद्ध जिंदा रहे, समानता जिंदा रहे, उनका दर्शन जिंदा रहे, क्योंकि बुद्ध का दर्शन ब्राह्मणों की दुकान बंद करता है। बुद्ध का दर्शन ब्राह्मणों को समान लाता है, उन्हें आपको ऊंचा स्थापित करने की जो उनकी नीति है उसको ध्वस्त करता है। लिहाजा दिखावटी तौर पर वो बुद्ध के बड़े नजदीक रहते हैं लेकिन अंदर से मुसलमानों से ज्यादा, ईसाइयों से ज्यादा ये बुद्ध से और अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत का आलम इस तरह से है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बौद्ध गुफाएं हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, उनमें अतिक्रमण किया जा रहा है सरकारों के माध्यम से। इसमें न्याय व्यवस्था भी शामिल है, शासन प्रशासन शामिल है, बीजेपी के नेता शामिल हैं। जितनी भी बौद्ध गुफाएं हैं जहां पाली भाषा में, धम्म लिपि में उनके संदेश लिखे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, रूप परिवर्तित किया जा रहा है। गुजरात की लगभग 6-7 बड़ी बड़ी गुफाओं में इन्होंने हनुमान की मूर्ति लगा दी। महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी बौद्ध गुफाओं में इन्होंने बजरंग बली की मूर्ति लगा दी और उसे कहा कि प्राचीन हिंदू मंदिर लिख दिया है। चारों तरफ रूप परिवर्तित किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बुद्ध धरती पर रहे, क्योंकि जहां भी खोदो वह बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। लिहाजा जब बौद्ध समाज, अम्बेडकर समाज इनको देख देख करके दुखी हो गया, पूरे भारत में ये चर्चा हुई कि ये लोग सुनियोजित तरीके से बौद्ध गुफाओं को नष्ट कर देंगे, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले गुस्सा उठा और इतना बड़ा गुस्सा उठा कि महाराष्ट्र के लगभग 5 लाख लोग रोडों पर निकल आए, हाथ में झंडे लेकर पंसील के। शासन प्रशासन अपनी ऑफिसें बंद करके भाग गया, डीएम को अपना कार्यालय छोड़कर के भागना पड़ा, भाजपा के नेताओं को शहर छोड़कर के भागना पड़ा, क्योंकि 5 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। मैं भारत से अपील करूंगा कि धरोहर को बचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने साकेत में बौद्ध प्रतिमाओं को क्रेशर में डाल करके फोड़ दिया, जिस तरह से तिरुपति बालाजी पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, जिस तरह से मथुरा बौद्ध नगरी हुआ करती थी, 8 बड़े बड़े बौद्ध मठ हुआ करते थे उस पर कब्जा कर लिया, जिस तरह से बनारस सारनाथ बौद्ध नगरी हुआ करती थी उस पर कब्जा कर लिया, तिरुपति बालाजी के साथ साथ जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब पर कब्जा कर लिया है। अब इनकी नजर बौद्ध गुफाओं पर है। पहाड़ों को काट काट कर बौद्धों ने, बुद्ध के अनुयायियों ने बहुत सुंदर नक्काशी की है, बहुत सुंदर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, भित्तियां बनी हुई हैं, तमाम बड़ी बड़ी महल नुमा गुफाएं हैं। अमिताभ बच्चन को जब ऐड करना पड़ा कि मेरे गुजरात में आइए, तो उन्हें और कोई अच्छी जगह नहीं मिली, वो जूनागढ़ की बौद्ध गुफाओं में चले गए और उनका ऐड देख लीजिए, वो ऐड बौद्ध गुफाओं का है। पूरे गुजरात में लगभग 1500 ज्यादा बौद्ध गुफाएं हैं, जिन पर 100 से ज्यादा बौद्ध गुफाओं पर इन पाखंडी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जिस तरह के महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के भंते लोगों ने, बौद्ध अनुयायियों ने, अंबेडकरवादियों ने ताकत दिखाई है, वैसी ताकत प्रत्येक राज्य के बौद्धों को, अंबेडकरवादियों को दिखानी पड़ेगी, तभी ये पाखंडवादी डरेंगे, अतिक्रमण करना बंद करेंगे, रूप परिवर्तित करना बंद करेंगे, न आने वाले समय में एक भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं ये छोड़ेंगे। सब पर ये अपना तिलक लगाकर, माला पहनाकर, कपड़े पहनाकर,
फर्जी कोई देवता बना लेंगे और पूजा करके अपनी दुकान चलाने लगेंगे। बुद्ध की संस्कृति को बचाओ, विरासत को बचाओ, इतिहास को बचाओ और अपने घरों से निकलकर रोडों पर आओ। जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता को हम नमन करते हैं, महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्षुओं को हम वंदामी करते हैं, उन्होंने अपने जिंदा होने का परिचय दिया और जो जालिम लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, जो विरासत की हत्या कर रहे थे, आपकी हत्या हो जाए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतिहास और विरासत की हत्या होना अर्थात आने वाली पीढ़ियों की हत्या कर देना है। आपने उसको बचाया है, इसके लिए मैं भूर भूर आपकी प्रशंसा करता हूं। और अन्य राज्यों को, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी तमाम बौद्ध विरासतें हैं, जैसे संकिसा पर कब्जा कर लिया इन्होंने और अतरंजी खेड़ा पर एटा इन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरह से तमाम बौद्ध विरासतें श्रीनगर में हैं जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। सभी राज्यों के लोग निकलिए और बौद्ध विरासत को बचाइए। जिनका इतिहास मिट जाता है उनका वर्तमान खत्म हो जाता है, और जितना इतिहास आपका स्वर्णिम है दुनिया में किसी का नहीं है। आओ हम सब मिलकर बोध गया को बचाते हैं, जबरदस्ती इन्होंने कब्जा करके रखा है। किसी भी हिंदू मंदिर में, ब्राह्मण के मंदिर में बौद्ध भिक्षु सदस्य नहीं है, बौद्ध उसका मेंबर नहीं है, फिर मेरे बोध गया टेम्पल में ये बामन मेंबर बन के क्यों बैठे हैं? सरकार की मिली भगत है, चाहे लालू की सरकार रही हो दोहरे चरित्र की सरकार है, पलटू बाबू नीतीश कुमार की दोहरे चरित्र की सरकार है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वहां का बायलॉज बदल सकता है और बुद्ध विहार बौद्धों को दे सकता है, लेकिन ये बोठों के लालच में जीने वाले ये एससी ओबीसी के नेता भी नालायक है। इनकी वजह से कम संख्या वाले देश पर कब्जा किए हैं। अगर इनका चरित्र अच्छा होता, ये अगर दोगले न होते तो ये दशा नहीं होती। पूरे देश में बौद्ध विरासतों पर मनवादी कब्जा कर रहे हैं, उन्हें मिटा रहे हैं, रूप परिवर्तित कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर एक साथ चलते हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।